हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप एकदम मस्त होंगे। और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फोटो आजर्सित में। तो गाइस, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज न्यू फोटो एडिटिंग ट्यूटोरियल, जिसमें कि मैं अपनी फ़ोटो को एडिट करना आपको बताऊंगा। एक मेरी वेटमैन की फ़ोटो थी जिसे मैंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था, उसे मैं आज आपको एडिट करना बताऊंगा कि मैंने उस फ़ोटो को कैसे एडिट किया था। तो आप भी इस टाइप के इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं और मैं फ़ोटो अपनी अपनी फ़ोटो को कैसे एडिट करता हूँ ये देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इस एडिटिंग में जो भी बैकग्राउंड एंड PNG यूज़ करने वाला हूँ, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाके इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप अपनी फ़ोटो को पहले किसी ने पूछ देगी, उसे उस स्टेप से अपनी फ़ोटो को आप क्लिक कर सकते हैं और फिर देन आप उसे एडिट कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको इस बैकग्राउंड को पिक्सार्ट ऐप में ओपन कर लेना है, देन अपना इसमें अपना मॉडल ऐड करना है और फिर अपने बैकग्राउंड पर अच्छे से सेट कर देना है परफेक्टली। ठीक है, तो मैं इसे सेट कर देता हूँ अच्छे से और देन मैं इसके कलर एडजस्ट करूँगा थोड़ा सा, ब्राइटनेस वगैरह, जिससे कि अच्छा सा डार्क लुक इसमें आ जाए बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग। फिर देन मैं ऐड फोटो में जाऊँगा और जो है इस जो बैकड्रॉप है मेरा, जो बैटमैन का जो बैकड्रॉप होता है, मैं उसको इसमें ऐड किया है मैंने। और फिर अपने ऊपर जो एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है उसको मैंने इरेज कर दिया, ठीक है, ऊपर से टी कम करके। देन मैंने फिर इसको डन कर दिया और फिर मैं कलर एडजस्ट में जाऊंगा थोड़ा सा और फिर इसकी जो ब्राइटनेस वगैरह है उसको अच्छे से डार्क करके और अपने ऊपर अप्लाई कर दूंगा, क्योंकि मेरे ऊपर जो है ब्लू इफेक्ट जो है बहुत ज़्यादा आ रहा था, इसलिए मैंने इसमें से ब्लू इफेक्ट को जो है रिमूव किया है। ठीक है, और मैं यहाँ से इसे कर देता हूँ डन। फिर देन मैं आता हूँ टूल्स में और एडजस्ट में और फिर मैं ये थोड़ा डार्क इफेक्ट इसमें जो है क्रिएट करता हूँ, हाईलाइट वगैरह को अच्छे से मैच, मतलब बैकग्राउंड से मैच करके कलर्स को, और कलर यहाँ से कर देता हूँ डन। ठीक है, देन फिर मैं जाता हूँ ऐड फोटो में और मैं ये रो का PNG है इसको ऐड किया हूँ, ये बैटमैन के हमेशा साथ रहती है। तो गाइस, सबसे पहले आपको इस बैकग्राउंड को पिक्सार्ट ऐप में ओपन कर लेना है, देन अपना इसमें अपना मॉडल ऐड करना है और थोड़ी सी इसकी कलर जो एडजस्टमेंट है वो मैं करूँगा रो की और अपने बैकग्राउंड से मैच करूँगा। देन मैं फिर जाऊँगा ऐड फोटो में और एक ये मास्क का PNG है बैटमैन का जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, और से अपने हैंड पर अच्छे से इसे सेट कर दूँगा अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैं इसे अच्छे से सेट कर लेता हूँ। तो है इस मास्क का PNG काफ़ी देर में मेरे से सेट हुआ, क्योंकि ये मेरे हाथ की डायरेक्शन कुछ और थी और मास्क की कुछ और, तो ये इसे सेट होने में काफ़ी टाइम लगा था, हालांकि मैंने कर दिया था। तो मैं यहाँ से इसे कर देता हूँ डन अब, और फिर से मैं जाता हूँ ऐड फोटो में और मैं ये गन का PNG लेकर आया हूँ जो बैटमैन के हमेशा साथ रहती है। तो ठीक है, मैंने इसे अच्छे से एडजस्ट कर दिया है यहाँ पर और इसमें मैं थोड़ा सा इसका कलर करेक्शन करके और इसमें थोड़ी लाइट एडजस्टमेंट करके बैकग्राउंड के साथ इसको मैच करूँगा। जो भी मैं बैकग्राउंड एंड PNG यूज़ करता हूँ उसका मैं कलर और जो लाइट एडजस्टमेंट है उसे बैकग्राउंड के साथ मैच करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वरना वो फेक सी लगती है और रियलिस्टिक नहीं लगती, इसलिए मैं उसे बैकग्राउंड के साथ मैच करता हूँ। ठीक है, देन मैंने इसके बाद इसे एक फॉग का जो PNG उसे ऐड किया और उसके बाद उसे डन किया। देन इसका एक चैन का PNG है, इसको भी मैं ऐड किया है मैंने और बड़ा करके और अपने आगे जो है लगा दिया है, और देन मैंने इसको ब्लर किया जो ब्लर वाला इफेक्ट है जो क्रिएट होगा अच्छे से। तो और मैं यहाँ से इसे कर देता हूँ डन। देन मैं इसके बाद फिर से आता हूँ ऐड फोटो में और एक बैट का PNG जो है लेके आता हूँ जो फ्लाई कर रही हैं, उसे मैं स्काई में अच्छे से एडजस्ट कर दूंगा। ठीक है, जब बैटमैन आता है तो जाहिर सी बात है बैट बैट तो आएंगी वर्ड्स। ठीक है, और ये मैंने ये वाली बैट को ऐड किया है और इसे मैं अपने आगे जो है लगा दूंगा। ठीक है, तो मैं इसे अच्छे से लगा देता हूँ। देन मैं इसे ब्लर किया थोड़ा सा और मैंने इसका कलर जो है एडजस्ट किया है हल्का, और थोड़ा मोशन ब्लर जो है वो भी मैंने इसमें ऐड किया है। ठीक है, तो मैं इसे कर देता हूँ डन और फिर से जाता हूँ मैं एडजस्ट में
और इसमें मैं हाईलाइट ब्राइटनेस और शेडोज को कम करता हूँ। और देन जहाँ मेरा बैकड्रॉप है उसके नीचे थोड़ा मैं डार्क शेडो जो है क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से करता हूँ डन। अब हम आ चुके हैं लाइट मैप में, अब हम कलर करेंगे अपनी जो है लाइट एडजस्टमेंट। तो मैं यहाँ से इसे कर लेता हूँ अपने फ़ोटो के अकॉर्डिंग, हाईलाइट वगैरह को एडजस्ट कर देता हूँ। तो गैस इसका लाइट कलर कलर ग्रेडिंग का और लाइट एडजस्टमेंट का ऐसा सीन है कि मैं आपको बता दूं कि इसमें ना हर एक फ़ोटो में सेम नहीं रहता है कलर्स और जो लाइट्स हैं वो एडजस्ट हर एक फ़ोटो में सेम नहीं रहता है। जैसे मैंने अपना फ़ोटो क्लिक किया अपने फ़ोटो मतलब अपने ट्यूटोरियल के लिए, तो मेरे फ़ोटो में कुछ लाइट कंडीशन कुछ और थी और आप जहाँ क्लिक करेंगे वहाँ कुछ और होंगी। तो आपके लिए कुछ और जो कलर एडजस्टमेंट अप्लाई होगा और मेरे फ़ोटो के लिए कुछ और, तो आप सेम कॉपी ना करें। जैसे मतलब कि मैं जैसे मैं करूँ तो आप जैसे वैसा आप करें, आप अपने फ़ोटो के अकॉर्डिंग करें। जैसे कि कॉन्ट्रास्ट उसमें कितना होगा, सैचुरेशन उसमें कितना रखना है, वाइब्रेंस उसमें कितना रखना है, या फिर उसमें शेडोज कितना रखना है, वो आप अपने अकॉर्डिंग रखें। क्योंकि मेरे फ़ोटो में अलग लाइट्स हैं तो मैं अपने अकॉर्डिंग रखूँगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ इसमें सेम हर एक फ़ोटो में सेम नहीं रहती हैं। और मैं इसमें वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड इसलिए कर देता हूँ कि वीडियो काफ़ी लंबी रहती है, मैं कभी ब्राइटनेस को बढ़ाता हूँ, लास्ट में जाके कभी कम कर देता हूँ। तो आप लोगों को आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं बार बार आगे पीछे कर रहा हूँ, हर इस चीज़ को सही एक परफेक्ट नहीं हो पाती। मतलब हम हर चीज़ को करके देखते हैं कि स्लाइडर को आगे पीछे करके कि यहाँ पे ये क्या परफेक्ट कलर बैठ रहा है उस हिसाब से, तो आप मतलब देख सकते हैं। तो मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ और आप देख के समझ सकते हैं कि मैं कैसे कौन कौन से इफेक्ट जो है अपने फ़ोटो में अप्लाई कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आप उसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी इसे फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, तब तक के लिए आप इन्जॉय कीजिए वीडियो को। ठीक है,
तो भाई वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।